दोस्तों, ये ज़िंदगी हर किसी को प्यारी होती है। कोई नहीं चाहता कि उसकी मौत आए या फिर उसे थोड़ा सा भी दर्द महसूस हो, लेकिन फिर भी एक ना एक दिन सभी को जाना है। और आज मैं आपको दो सच्ची कहानियां बताने वाला हूं, दो अलग अलग इंसानों की, जिसे सुनकर आपका भी दिल रोने लग जाएगा। लेकिन ये कहानियां सुनने से पहले आप अपना रुमाल अपने पास रखें, क्योंकि यकीन मानिए दोस्तों, रोना आपको भी आने वाला है। सबसे पहली कहानी है एक लड़के की, जिसने ये दुनिया छोड़ने से पहले चार शब्द बोले, जिसे सुनकर उसकी माता का दिल पूरी तरह से टूट गया। 4 साल का नोलन नाम का ये बच्चा आज भी पूरी दुनिया में अपनी बहादुरता के लिए जाना जाता है। उसने कोई खेल में महारत हासिल नहीं की थी, लेकिन वो एक ऐसी बीमारी से लड़ा था जिसका इलाज आज तक विज्ञान ढूंढ नहीं पाया है। जी हाँ, इस बीमारी का नाम है राबडोमिया सार्कोमा। ये एक तरह का कैंसर ही है, लेकिन बहुत कम ही इसे दुनिया में देखा गया है। शुरुआत में नोलन को बहुत आम सा जुकाम और फ्लू हुआ। इसे लेकर उसके माता पिता कुछ खास परेशान नहीं थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ जल्दी ही नोलन के एडेनॉइड ग्लैंड्स में सूजन आने लगी, जिसके बाद उसके माता पिता हरकत में आए और उसे तुरंत टेस्ट करवाने के लिए पास ही के हॉस्पिटल में लेकर गए। और वहाँ उन्हें पता लगा कि छोटा सा नोलन आम फ्लू से ग्रस्त नहीं था, बल्कि इसके पीछे राबडोमिया सार्कोमा नाम का ये जानलेवा कैंसर जिम्मेदार था। जल्दी ही नोलन की ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई और सभी इस बच्चे के लिए अपना दुख जताने लगे। इसके अलावा कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। अब माता पिता को ही अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ करना था। डॉक्टर्स ने उन्हें बता दिया कि जल्दी से जल्दी नोलन की कई सर्जरीज करनी होंगी, साथ ही ये ट्रीटमेंट कई दिनों का होगा। जल्द ही सर्जरीज के सहारे नोलन का ट्यूमर निकाल दिया गया। अब सभी को लग रहा था कि नोलन बच जाएगा, जिसके बाद नोलन को होश आया और वो एक आम बच्चे की तरह पूरे हॉस्पिटल में हंसता खेलता दिखाई दिया। उसके इस व्यवहार को देखकर हॉस्पिटल में मौजूद हर पेशेंट के मन में उत्साह भर चुका था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जी हाँ, कैंसर फिर से उसके शरीर में दाखिल कर चुका था और अब की बार उसने सीधा नोलन के फेफड़े और दिल पर हमला किया। बच्चे के माता पिता को ये पता था कि बेशक नोलन एक बहादुर बच्चा था, लेकिन अब फिर से उसकी सर्जरीज नहीं कराई जा सकती। इसलिए उन्होंने अपने बच्चे के साथ अंतिम पलों में वो सब करने की कोशिश करी जो वो कर सकते थे। अंदर ही अंदर नोलन के माता पिता भगवान से दुआएं और किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे थे। अपने पूरे ट्रीटमेंट के दौरान लोग उसे ब्रेव के नाम से जानने लगे थे और बहुत से मरीज उसे देखकर खुद को खुशकिस्मत मान रहे थे। उसके माता पिता लगातार उसके साथ थे और हर सेकंड नोलन का अच्छा बनाना चाह रहे थे। लेकिन जब एक बार नोलन की माता नहाने गई और नहाकर वापस आई, तो उसने देखा कि नोलन अब कोमा में जा चुका है। तुरंत डॉक्टर्स वहां आए और आते ही उन्होंने कह दिया कि अब धीरे धीरे नोलन इस दुनिया से अलविदा हो रहा है। जरा सोचकर देखिए उसकी माता के दिल पर उस समय क्या बीत रही होगी। वो अपने बच्चे के पास बैठ गई और चमत्कारिक रूप से छोटे से नोलन ने तभी आंखें खोली और कहा, आई लव यू मम्मी। और ये शब्द उसने बहुत हंसते हुए कहे, जिसके बाद उसकी माता ने कहा कि तुम मेरी सनशाइन हो। और ये बात सुनते ही नोलन अपनी माता की आंखों के सामने ही दम तोड़ गया। उसकी माता को भी विश्वास नहीं हुआ कि उसके बच्चे के अंतिम शब्द ये थे, जिसे सुनकर वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि अब वो अपने ब्रेव को हमेशा के लिए खो चुके थे। लेकिन उनको उनके बच्चे की आखिरी इच्छाएं याद थी। उसने अपने माता पिता को कहा कि अगर मैं अपने खिलौनों से ना खेल पाऊं तो आप उन्हें और बच्चों में बांट देना। इसके अलावा मेरे अंतिम संस्कार पर जो भी इंसान आए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो, और जरा आप भी देखिए कैसे लोगों ने उसे हंसते हुए विदाई दी। नोलन जाते हुए भी सबको हंसाना चाहता था। उसकी मौत के कुछ महीनों बाद उसकी माता ने नोलन की एक फोटो सोशल मीडिया पर डाली, जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। साथ ही उसने लिखा कि अब तो मुझे नहाने से भी डर लगता है, क्योंकि जब वो नहाने गई थी तभी उसका बच्चा कोमा में गया था। लिखे गए इन शब्दों में एक माँ का प्यार पूरी तरह से देखा जा सकता था। साथ ही नोलन चाहता था कि उसकी माता पुलिस में भर्ती हो जाए, और कुछ ही समय बाद नोलन की माता ने वहाँ की पुलिस की नौकरी करनी शुरू कर दी। साथ ही उनको अपने इलाके की सबसे बहादुर पुलिस ऑफिसर होने के खिताब से नवाजा गया। पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा कि नोलन ने दुनिया को कुछ इस तरह से छुआ जो हर किसी के बस की बात नहीं थी। उसकी इसी बहादुरता की वजह से दुनिया आज भी नोलन को याद करती है। इसके अलावा उसकी माता की पोस्ट पर बहुत से दुख भरे कमेंट्स आए, जिससे उसे भी एहसास हो गया कि उसका बच्चा पूरी दुनिया के दिल में अपनी जगह बना कर गया है। अपने मरने से कुछ ही समय पहले नोलन टॉयगन्स के साथ खेल रहा था, और यहीं से उसे अपनी माता को पुलिस ऑफिसर बनाने का सोचा। आज भी नोलन जिस बीमारी से ग्रस्त था,
विज्ञान उसका इलाज ढूंढ रहा है, लेकिन किसी को भी उसका पक्का इलाज नहीं मिल पाया है। रुकिए रुकिए, अभी आपको थोड़ा और रोना आने वाला है। एक 16 साल के लड़के को सेंट जॉर्जस रेफर किया गया, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ हुई एक लड़ाई में उसका सिर सीमेंट के पत्थर से जा लगा था। जॉर्ज आराम से फ्रंट गार्डन में बैठा हुआ था, तभी वहां पर उसके दोस्तों से उसकी लड़ाई हुई, जिसमें उसके सर पर गहरी चोट लगी। जल्द ही उसके पिता को उसके बेटे के साथ ऐसा होने की सूचना मिली और उसे इमरजेंसी में सेंट जॉर्जस रेफर किया गया, क्योंकि लोकल हॉस्पिटल को यह समझ नहीं आ रहा था कि असल में जॉर्ज के सिर में कहां चोट लगी है और खून असल में निकल कहां से रहा है। उसके सिर की कई हड्डियां टूट चुकी थी और दिमाग में भी कंक्रीट के कई टुकड़े अंदर तक घुस चुके थे, जिस वजह से उसका दिमाग लगभग आधा उधड़ चुका था और शायद ये खून भी उसके दिमाग से ही आ रहा था। अगर निकलने वाले खून का छोटा सा भी थक्का उसके दिमाग में जम जाता तो वो तुरंत कोमा में चला जाता, लेकिन वो अभी तक अपने होश में था। जिसके बाद डॉक्टर्स ने जॉर्ज का फुल सीटी स्कैन किया, जिसके बाद सबसे पहले जॉर्ज से ये पूछा गया कि क्या वो इस चोट की सर्जरी के लिए तैयार है, तो उसने तुरंत हाँ बोल दिया। लेकिन सर्जरी करवाने से पहले जॉर्ज फूट फूट कर रोने लग गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर सर्जरी में थोड़ी सी भी चूक हुई तो वो हमेशा के लिए या फिर ना जाने कितने ही सालों के लिए कोमा में चला जाएगा। जिसके बाद उसने अपनी माता से बात करने की इच्छा जाहिर करी। उसकी माता को कॉल किया गया और उसकी माता और वो दोनों फोन पर रोने लग गए, जिसके बाद उसने सिर्फ कहा कि आई मिस यू मम और आई लव यू। साथ में खड़े उसके पिता ने और उसकी सौतेली माँ ने उसे सहारा दिया और फिर गले लगाकर उसे ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया गया। जॉर्ज की सर्जरी पूरे 4 दिनों तक चली, लेकिन डॉक्टर्स को ये उम्मीद थी कि ये 1 हफ्ता भी ले सकती है। किस्मत से जॉर्ज बहुत लकी था जो उसकी सर्जरी पूरी तरह से सफल रही और वो ठीक होकर अपने घर आ गया। आमतौर पर ऐसे मामलों में लोगों की खून ज़्यादा बहने से मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है मनीष कुशवाहा को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक भी लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा।